अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मोमिनास किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मोमिनास किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं शामी कबाब। और शामी कबाब आप बीफ से भी बना सकते हैं और मटन से भी और चिकन से भी। शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है चने की दाल 1 किलो। चने की दाल को हमने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। 1.5 किलो गोश्त को 10 से 15 मिनट के लिए उबाल कर निकाल लेंगे। अब एक पतीले में गोश्त, दाल और पानी शामिल करके उबलने के लिए रखते हैं। अब इसमें 100 ग्राम लहसुन और 2 दरमियाने साइज के प्याज शामिल करेंगे। अब इसमें शामी कबाब मसाला शामिल कर देंगे। अब इसमें 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। आखिर में इसमें 1/2 चाय की चम्मची अदरक पाउडर शामिल कर लेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। पानी खुश्क होने तक इसको पकने के लिए रखेंगे। पानी खुश्क हो जाए तो अब इसको ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा होने के बाद अमेजे को चॉपर में शामिल कर लेंगे और अच्छी तरह से अमेजे को यकजान कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि अमेजा किस कदर खूबसूरत यकजान हो चुका है। अब हम इसमें हरा धनिया और पुदीना शामिल करके हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। गीले हाथों की मदद से अब अमेजे के छोटे छोटे से कबाब बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा कबाब बना है। अब अंडे के अमेजे में कबाब को डुबोकर फ्राई कर लेंगे। हमारे मज़ेदार से शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। तो व्यूअर्स, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अगली वीडियो में।